जज्बात से मना किया था वो बात भी सबके सामने मान ली। इसकी माफी कभी नहीं मांगू, उसको मैंने मारा था। मैं भी शामिल था उसमें। जहर कौन लाया था? मंगवाया किसने था? मशवरा किसने दिया था कि उसको जहर से मारना चाहिए कुत्ते को, ताकि कत्ल नहीं खुदाई मौत लगे सबको। मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये ठीक नहीं किया तुमने, सब गलत हो गया। अपना गुनाह कबूल करना कोई गलती नहीं है, और मैंने गुनाह नहीं एक मुर्दार का कत्ल कबूल किया है। गुनाह तो उसने किया था, ना मुझे बेबस करता ना इस तरह मरता। अब मुझे जिसे जो सजा देनी है सामने आए। सजा तो तुमने दी है, उसने अपने दिमाग में नसरुल्ला का एक पुत बना के रखा था। तुम्हारी इस बात में उसे और उस पुत को मुंह के बल गिरा दिया। वो गायब है, पता नहीं कहां चला गया। ना अपने ठिकाने पे, ना कब्रिस्तान में। जिंदा रहूं या मर जाऊं, बस यही एक सवाल का कीड़ा इस वक्त दिमाग की नस नस में बस गया है। झूठ और सच आपस में रेत के जर्रों की तरह मिल गए। रूह, दिल और दिमाग सब अपनी जगह से हिल। किसे सच मानूं, किसे झूठा कहूं, किससे हिसाब मांगूं, किससे जवाब मांगूं। बुड्ढे हकीम के मुंह से जो निकला वो सच था, या आज इस औरत की जुबानी जो सुना वो हकीकत है। औरतों की गवाही आदि होती है, मेरी माँ भी तो एक आदि औरत है। आदि नसरुल्ला के हिस्से में आई, आदि मंजाक के। आदि मेरी माँ है, आदि हिकमत की। पूरा आदमी होकर आधी औरत की बात पर यकीन क्यों कर रहा है मासूम हिलमंद? इस इंकशाफ में कोई ना कोई बात छुपी थी, पर वही असल बात।